हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहना। तो गाइस, यूरोप के शोरूम में आपका पसंदीदा बनी का इंक्यूबेटर रिटर्न में आ चुका है, वो भी 15 दिनों के लिए रिटर्न में आ चुका है। ठीक है गाइस, तो चले चलते बिना देरी की यूरोप के शोरूम में और देखते बनी का इंक्यूबेटर। और मैं इस वीडियो में आज आपको बनी के सभी बंडल दिखाने वाला हूँ। आपका सिर्फ एक ही काम है कि आपको कौन सा बंडल अच्छा लगता है वो मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है गाइस, तो चले चलते यूरोप के शोरूम में। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकॉन ऑल पर सेट कर दीजिए, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ पाए। और इस वीडियो का लाइक मैं ओनली 30 लाइक्स, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है गाइस, तो चलिए चलते यूरोप के शोरूम में। तो गाइज, मैं आ चुका हूँ यूरोप के शोरूम में। तो चलिए चलते लॉक रॉयल में चलते और देखते हैं बनी का इंक्यूबेटर। तो ये देख लीजिए बनी का इंक्यूबेटर, वो भाई इसी के साथ मैजिक क्यूब भी दिया जा रहा है। गाइस मैजिक क्यूब भी दिया जा रहा है इसी के साथ। भाई स्पिन करेंगे तो हमको एक मैजिक क्यूब मिलेगा, डबल फायदा। ओ भाई इसी बात पर एक लाइक कर दीजिए गाइस। और इसी के साथ बैकपैक भी दिया जा रहा है और वेपन रॉयल वाउचर और 2 स्टोन दिया जा रहा है और 2 ब्लूप्रिंट दिया जा रहा है गाइस। तो बढ़िया है, सभी के बंडल देखते चलो अभी। तो ये देख लीजिए फर्स्ट बंडल, देख लीजिए फर्स्ट बंडल भी बढ़िया है, एनिमेशन के साथ है। लेकिन ये फीमेल का बंडल क्यों नहीं दिखा रहा है गाइस? फीमेल का बंडल क्यों नहीं दिखा रहा है, क्या ग्लिच हो गया पता नहीं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अभी सभी टी शर्ट बी शर्ट सभी चड्डी बिड्डी सब अलग अलग से दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो फीमेल का नहीं दिखा रहा है बंडल। तो ये फर्स्ट बंडल का हेट दिख लीजिए, फर्स्ट बंडल का हेट भी बढ़िया है। आपको ये हेट कैसा लगता है, फर्स्ट बंडल का हेट कैसा लगता है मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है भाई, हेट ही मस्त है ना, बंडल सब बकवास है लेकिन इनके हेट ही बढ़िया है। तो ये टी शर्ट दिख लीजिए, इसके रन टू डाई लिखा हुआ है इसमें, तो बढ़िया है। और इसका पैंट दिख लीजिएगा, इस पैंट भी बढ़िया है। शूज देखते हैं, चलो शूज भी बढ़िया है। और सेकंड वाला बंडल देखते हैं अभी बिना देरी किए, सेकंड वाले बंडल कर चलते हैं। तो ये दिख लीजिए सेकंड वाले बंडल का हेड दिख लीजिए, वो भाई इसके माथे पर कुछ लगा है क्या भाई, पट्टी लगा कर यह किया। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेते हैं फटाक से, और फटाक से लाइक कर दीजिए और फटाक से कमेंट भी कर दीजिएगा इस। ठीक है, तो ये दिख लीजिए इसका हेट दिख लीजिए, हेट भी बढ़िया है। और इसका टी शर्ट दिख लीजिए, ये टी शर्ट शू गेमिंग है ना, शू भाई के पास इसका टी शर्ट है। मतलब ये सेकंड वाला बंडल शू भाई के पास है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो गरीब हूँ यार। तो ये भी फीमेल का बंडल नहीं दिखा रहा है गाइस, क्या हुआ है ग्लिच पता नहीं यार। फीमेल का बंडल नहीं दिखा रहा है लेकिन मेल का बंडल दिखा रहा है। तो ये दिख लीजिए थर्ड वाला बंडल दिख लीजिए, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेते। तो ये थर्ड वाला बंडल बहुत जनों के पास है, मतलब थर्ड वाला बंडल बनी का थर्ड वाला बंडल बहुत जनों के पास है, मेरे पास कुछ भी नहीं। तो ये दिख लीजिए इसका टी शर्ट दिख लीजिए, टी शर्ट भी बढ़िया है और हेट भी बढ़िया है। और इसका पैंट दिख लीजिए, पैंट भी बढ़िया है, रेड कलर का पैंट है, बढ़िया है। और इसका शूज दिखती है गाइस, शूज भी बढ़िया है यार, लेकिन भाई फीमेल का बंडल ही नहीं दिखा रहा यार, क्या ही बोले। और ये दिख लीजिए 3 स्टोन और 3 ब्लूप्रिंट और 7 एवोल्यूशन स्टोन पर ये फर्स्ट बंडल दिया जा रहा है, और सेकंड वाला 2 ब्लूप्रिंट और 5 एवोल्यूशन स्टोन पर दिया जा रहा है, और नीचे वाला 3 स्टोन और 1 ब्लूप्रिंट पर दिया जा रहा है। तो ये भी बढ़िया है, ब्लूप्रिंट मतलब इंक्यूबेटर तो बढ़िया है। और 1 स्पिन है इधर यूरोप के सर्वर में, 1 स्पिन है 80 डायमंड का और 5 स्पिन है 320 डायमंड का, तो बढ़िया है। इधर कम लेता है क्या भाई, ज़्यादा लेता है, हाँ कम लेता है कम। हमारे इधर तो 1 स्पिन 90 डायमंड का है, इधर 80 डायमंड का ही है। तो हो सकता है इंडिया शोरूम में अगला रिटर्न वाला इंक्यूबेटर बनी का ही हो सकता है, नहीं तो कुछ भी कर देता है गरेना किसी भी शोरूम में। हो सकता है अगला इंक्यूबेटर रिटर्न में हमारे शोरूम में यही हो सकता है, नहीं तो अभी और देखेंगे, जो लीक्स आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, तो आपको ये बनी का इंक्यूबेटर कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, और वीडियो में कुछ गलती हो जाती है तो भी मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं अगली बार वो गलती सुधार कर लाऊंगा। तो चलो बाय बाय, जय हिंद जय भारत।